हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डिग्री छुपाने वाले और नाले की गैस से चाय बनाने वाले को मीडिया योग्य पीएम बताता है, कहते हैं शत्रुघ्न सिन्हा। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में आज यानी 19 मई को पटना साहिब लोकसभा सीट के लिए मतदान हुआ। बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए शत्रुघ्न सिन्हा यहां से एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। यहां उनका सीधा मुकाबला बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से है। उन्होंने वोटिंग के शुरू होते ही कदम कुआ के पोलिंग बूथ संख्या 339 पर जाकर अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद सिन्हा ने ट्विटर के जरिए एक बार फिर पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्विटर कर कहा, जो व्यक्ति तक्षशिला को बिहार पहुंचा देता है, शहीद आजम भगत सिंह को अंडमान निकोबार की जेल पहुंचा देता है, दयानंद सरस्वती की श्यामा प्रसाद मुखर्जी से मुलाकात करा देता है, भारत की आबादी 600 करोड़ बता देता है, 125 करोड़ लोगों को घर की चाबी बांट देता है, संत कबीर। उन्होंने हमला जारी रखते हुए दूसरे ट्वीट में कहा, बाबा गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ की एक साथ मीटिंग करा देता है, और तो और नाले की गैस से चाय बनवा देता है, और हमारे देश का मीडिया कहता है कि ऐसे योग्य मोदी का कोई विकल्प नहीं है। केजरीवाल जी ने डिग्री मांग ली तो नाराज हो गए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनकी किस्मत का फैसला अभी मतदाता कर रहे हैं। वह मतदान के दौरान तीर्थ यात्रा पर है। बीते कल वो केदारनाथ पहुंचे थे। उनकी इस यात्रा को मीडिया में ताबड़तोड़ कवरेज मिला, जिस पर विपक्ष ने एतराज जताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। विपक्ष का कहना है कि मतदान के दौरान पीएम की तीर्थ यात्रा को मीडिया द्वारा दिखाए जाने से वोटर्स प्रभावित हो सकते हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।